तो एक बार की बात है, एक महात्मा भ्रमण करते हुए एक नगर से गुजर रहे थे। अब रास्ते में उन्हें एक रुपया मिला। महात्मा तो विरक्त और संतोषी थे, वे भला उसका क्या करते। अतः उन्होंने किसी दरिद्र को यह रुपया देने का विचार किया। कई दिनों तक वे तलाश करते रहे, लेकिन उन्हें कोई दरिद्र नहीं मिला। एक दिन उन्होंने देखा कि एक राजा अपनी सेना सहित दूसरे राज्य पर चढ़ाई करने जा रहा है। साधु ने वह रुपया राजा के ऊपर फेंक दिया। इस पर राजा को नाराजगी भी हुई और आश्चर्य भी हुआ, क्योंकि रुपया एक साधु ने फेंका था, इसीलिए उसने साधु से ऐसा करने का कारण पूछा। अब साधु ने धैर्य के साथ कहा, राजन, मैंने एक रुपया पाया, उसे किसी दरिद्र को देने का निश्चय किया, लेकिन मुझे तुम्हारे बराबर कोई दरिद्र व्यक्ति नहीं मिला, क्योंकि जो इतने बड़े राज्य का अधिपति होकर भी दूसरे राज्य पर चढ़ाई करने जा रहा हो और इसके लिए युद्ध में अपार संहार करने को उद्यत हो रहा हो, उससे ज्यादा दरिद्र कौन होगा। राजा का क्रोध शांत हुआ और अपनी भूल का पश्चाताप करते हुए उसने वापस अपने देश को प्रस्थान किया और अपनी सेना को वापस बुला लिया। दोस्तों, इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें सदैव संतोषी वृत्ति रखनी चाहिए। संतोषी व्यक्ति को अपने पास जो साधन होते हैं वे ही पर्याप्त लगते हैं, उसे और अधिक की भूख नहीं सताती। इससे स्वार्थ, लालच, मोह नहीं पैदा होता, जो कि जीवन में आपको कामयाब करने के लिए बहुत लाभदायी होता है। तो साथियों, इस कहानी में इतना ही। मिलते हैं एक और नई शानदार कहानी में। तब तक के लिए धन्यवाद।